खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में फौजी के घर के बाहर चार बदमाश युवकों का फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि फौजी का एक हफ्ते पहले किसी शादी में विवाद हो गया था, उसी का बदला लेने के लिए चारों बदमाश युवक अवैध हथियार लेकर फौजी को धमकाने पहुंचे थे। फौजी ने पुलिस को 100 डायल पर इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश युवक वहां से भागने के लिए फायरिंग की। घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर शादी में फौजी से हुए विवाद का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर सेना में पदस्थ सूबेदार की घर के बाहर एक चार फायर ठोक दिए। बताया जा रहा है कि 9 मई 2022 को सेना में पदस्थ सूबेदार धर्मेंद्र यादव मुरार कैंट एरिया में एक शादी में शामिल होने गए थे। शादी में किसी बात को लेकर उनका विवाद पपड़ी यादव से हुआ था और उन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। जब इस बात का पता पपड़ी यादव के बेटे को चला तो वह इसका बदला लेने के लिए अपने दोस्त ध्यानेंद्र और उसके दो अन्य साथियों के साथ 11 मई 2022 को धर्मेंद्र यादव के घर जा पहुंचा और एक के बाद एक चार फायर ठोक दी। फौजी ने इसकी सूचना फोन के द्वारा पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही चारों बदमाश युवक वहां से भाग गए। फायरिंग की घटना फौजी के पड़ोसी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पापड़ी के बेटे, उसके दोस्त ध्यानेंद्र और दो अन्य बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हेमुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव का कहना है कि शादी में एक फौजी का विवाद पपड़ी यादव से हो गया था, उसी का बदला लेने के लिए पपड़ी यादव का बेटा, उसका दोस्त ध्यानेंद्र और उसके दो अन्य साथी फौजी धर्मेंद्र यादव के घर पहुंचकर धमकाते हुए फायरिंग की थी। फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है।